तीनों देवता गए, सुंदर ब्राह्मण का रूप रखकर दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही माँ, भिक्षाम देही माँ, आवाज लगाई। शब्द का संबोधन सुना, अनसुईया मैया निकल कर बाहर आई, लेओ बाबा भिक्षा लीजिए। इतने में तीनों देवता बोले, नहीं 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 माँ, नग्न अवस्था में भिक्षा दोगी, वस्त्र उतार कराओगी तो भिक्षा लेंगे, ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। बाबा कोई नारी पर पुरुष के आगे वस्त्रविहीन कैसे आ सकती है? माँ भिक्षा तो हम ऐसे लेंगे, अगर आपने वस्त्र उतार कर भिक्षा नहीं दी तो हम भूखे रह जाएंगे और उसका दोष आपको लगेगा। बाबा मैं अभी आती हूँ। इतने में बाबाओं को खड़ा करा, माता अनसुईया अंदर गई, पति के कमंडल में से जल लेकर आई, आंतरी बाबा के कमंडल में से जल लाई। अगर मेरा सातित्व पक्का है और मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है तो ये तीनों की तीनों बालक हो जाए। जो जल छोड़ा, तीनों डेढ़ डेढ़ महीना का छोरा हो गया, डेढ़ डेढ़ महीना। अनसुईया जी ने उनकी झोली में अन्न का भाग दिया, तीनों को लेकर आ गई। विश्वकर्मा जी का ध्यान करके चंदन का पल्ला, रेशम की डोरी लगा दी, चंदन का पलना रेशम की डोरी झुला रही। थोड़ी देर बाद आंतरी ऋषि आ गए। आंतरी बाबा ने आकर पूछा, ये अनसुईया, ये किनके छोरा छोरी उठा लाई? अनसुईया जी बोली, महाराज सब अपने हैं। आंतरी ऋषि बोले, स्नान करने गया था तो एक भी नहीं था और आया तो तीन तीन। अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये प्रभु की कृपा है। अंतरिषि को पूरा चरित्र सुना दिया। अंतरिषि तो बड़े प्रसन्न, तीन तीन देवता मेरे घर में, अरे ये तो धन्य, आज तीन देवता मेरे घर में विराजमान है, इससे बढ़कर सुख क्या होगा। अब इनके घर में तो आनंद हो गया, परंतु वह त्रिवेणी संगम की नींद उड़ गई। कौन कौन की? अरे अच्छे जम के बोलो जरा, लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी, तीनों की नींद उड़ गई। लक्ष्मी ने पार्वती से पूछा, क्यों तेरा आया क्या? और तुम्हारा? वो भी नहीं आया। तीनों ने सोचा, बताओ ये तो गजब गए, अभी तक आए नहीं। वहीं से श्री नारद जी महाराज निकल के जा रहे थे कि मेरी नस नस बोले हरी हरी श्रीमन नारायण नारायण हरी हरी दोनों हाथों से नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे आओ तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे ओ तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन नारायण 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 हरे हरे जय जय 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 नारायण नारायण हरे हरे ओ जय जय नारायण नारायण हरे हरे ओ जय सेवा देते हो नारायण नारायण हरि हरि विष्णु नारायण नारायण
शंकर नारायण नारायण हरि हरि ओ शंकर नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नस नस बोले हरी हरी मेरी नस नस बोले हरी हरी मेरी नस नस बोले हरी हरी मेरी नस नस बोले हरी हरी श्रीमन नारायण नारायण हरी हरी शिव नारायण नारायण हरी हरी बड़े आनंद में ताली की सेवा देते हुए प्रेम से मुझ में नारायण नारायण हरि हरि मुझ में नारायण नारायण हरि तुझ में नारायण नारायण हरि हरि तुझ में नारायण नारायण हरि हरि ओ सब में नारायण नारायण हरि हरि ओ सब में नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि मेरा रोम रोम बोले 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 हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हर हर महादेव हर दोनों हाथ उठाकर बोलिए जरा चिदम के बोलिए हर हर भगवान शिव कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर नारद जी महाराज पहुंचे हैं जहां पर तीनों देवियां खड़ी हुई हैं। पूछा श्रीमन लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई नारद ओ बेटा नारद इधर तो आओ। नारद जी बोले आज मैया बहुत मीठा बोल रही है बहुत मीठा बोल रही होता है जब अपना कोई काम निकालना होता है ना तो बहुत मीठा बोला जाता है।
बहुत मीठा। आज माँ बहुत मीठा बोल रही। नारद जी ने पूछा, हाँ बोलो मैया क्या बात है। नारद तूने कहीं पिताजी को देखा है? नारद जी बोले, हाँ मैया देखा है। कहाँ है? पलना में झूल रहे अनसुईया जी के घर। इतने में लक्ष्मी जी बोली, तेरे में अक्कल है थोड़ी? इतना बड़ा हमारा पति कोई पलना में झूलेगा? नारद जी बोले, मैया आपने पूछा मैंने जवाब दिया, मैं चलता हूँ। इतने में पार्वती जी ने बुलाया, नारद इधर आ, इधर आ जरा। बोलो माँ, देख मेरा पति तो किसी के लेन में न देन में, उसके तो गले में सांप और कानों में बिच्छू, कौन पकड़ेगा उसको और कौन रखेगा उसको? मैया पलना में झूल रहे हैं। पलना में, हाँ ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी को भी कह दिया पलना में झूल रहे। तीनों देवियों ने पूछा, नारद अब हमारे पति को लेकर कैसे हैं? नारद जी ने कहा, जैसे वो मांगने गए थे ऐसे तुम चली जाओ। इतने में लक्ष्मी जी बोली, मैं राजरानी, मैं पटरानी लक्ष्मी, दुनिया मेरे आगे हाथ फैलाए, मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं? ये कभी नहीं हो सकता, मैं नहीं जाऊंगी मांगने। इतने में पार्वती जी बोली, मेरी दौलत तो मेरा पति है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी संपदा, मेरा पति मेरी दौलत है। आपने देखा होगा जितने भी तीज त्योहार के व्रत हैं सौभाग्य के लिए, वो सब पार्वती जी के। तीज को देख लो, चतुर्थी को देख लो, पंचमी, जितने भी व्रत उठाकर देखोगे सारे पार्वती जी के, सब पार्वती, सारे माता जगदम्बा के। क्यों? क्योंकि पार्वती जी कहती हैं, मेरी जो दौलत है वो मेरा पति है, मेरा पति मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनके बिना रह नहीं सकती, जगत जननी अम्बा जगदम्बा कह रही हैं, ठीक है। मैया पलना में झूल रहे, पार्वती जी को भी कह दिया, ब्रह्माणी को भी कह दिया। तो नारद जी से पार्वती जी ने पूछा, एक बात बताओ नारद जी, हम हमारे पति को लेकर कैसे हैं? बस एक काम करो, जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे ऐसे तुम मांगने चली जाओ। अरे तो हमारे पति तो मांगने गए थे तो वो तो चल गया, पर हम मांगने कैसे जाएं? बस जैसे वो ब्राह्मण थे तुम ब्राह्मण ही बन जाओ। तीनों ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप रख लिया तीनों ने, और तीनों भिक्षा मांगने जा रही हैं। ब्राह्मण की पत्नी का रूप रखकर भिक्षा मांगने के लिए चली। लक्ष्मी जी बोली, मैं तो मांगूंगी नहीं। पार्वती जी बोली, मैं मांगूंगी, चलो चलो। तीनों ब्राह्मण की पत्नी का रूप रखकर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही। जैसे ही बोली माता भिक्षाम देही, इतने में शंकर भगवान तो बीच में सो रहे थे, उनके कानों में पार्वती के शब्द सुनाई दिए। होता है, एक लाख जनता भी बैठी रहे तो पति अपनी पत्नी की आवाज पहचान जाता है, शब्द कैसे होता है। कहां बैठी है वो तक पहचान जाएगा, वहां बैठी है। एक बार निकल कर जाएगा उतनी देर में देख लेगी कहां बैठी है, उतनी शब्द का संबंध। भगवान शंकर ने सुन लिया, पार्वती जी आ गई, आवाज दे रही है माता भिक्षाम देही। इतने में भगवान नारायण और ब्रह्मा सो रहे थे, भगवान शंकर ने दोनों को कोनी मार के कह दिया, मेरी तो आ गई है रे, मुझे लेने के लिए आ गई है, अब तुम्हारी आई कि नहीं आई वो पता नहीं है दादा। भगवान नारायण और ब्रह्मा जी बोले, प्रभु अकेले चले जाओगे? तीनों साथ आए थे ना, तीनों साथ चलेंगे, भगवान अकेले नहीं जाओगे? भगवान ने कहा, ठीक है अकेले नहीं जाना है तो एक काम करो, रोना चालू करो। जैसे ही अनसुईया जी दरवाजा खोले ना, अपन रो, तो उससे क्या होगा, अनसुईया जी दरवाजा खोलेगी, अपन रोएंगे तो अनसुईया जी को लगेगा कि ये तीनों के तीनों ने नजर लगा दी अपने बच्चों को। अब नजर लगा दी तो अनसुईया जी इनको भगा देगी और अपन आराम से तीनों रहेंगे, ठीक है, इनको भी सबक मिल जाएगा। और रो, जैसे ही अनसुईया जी ने दरवाजा खोला और ये अंदर आई, और इतने में तीनों देवता रोए, जैसे ही रोए अनसुईया जी समझ गए इन तीनों ने आते से ही पलने में झांका है, इन तीनों की नजर लग गई होगी, निकल जा बाहर, बाहर निकलो, तीनों बाहर निकलो। तीनों को बाहर निकाला, अनसुईया जी अंदर गई, तुरंत बच्चों को नजर उतारने का सामान लाई कि पैर की धूल बमूल का कांटा, नजर उतारने का सामान, पैर की धूल बमूल का कांटा, राई नोन मिर्च और आटा,
मिर्ची ज़्यादा लाई, एक एक की 21-21, और तीनों पैसे उतार के चूल्हा में जो डाला, अग्नि में जैसे ही डाला, डालते ही मिर्ची की धांस बाहर गई। तो इतने में पार्वती जी लक्ष्मी से बोली, अरे लक्ष्मी जरा अंदर झांक के तो देख, बहुत मिर्ची की धांस आ रही है, कहीं अपने पतियों को तो नहीं झोंकिया ही, देख जरा अंदर। अब दरवाजे में थोड़ी सी सरंग थी, थोड़ी सी दरवाजे में रहती थी पहले, आजकल तो एक प्लाई के हो गए तो कोई सरंग नहीं रहती। आज के ज़माने में तो बहुत अंतर आ गया दरवाजे में, पहले के दरवाजे और आज के दरवाजे में कितना अंतर है। पहले का दरवाजा होता था छोटा, आज का दरवाजा ऊंचा। पहले का दरवाजा छोटा क्यों होता था कि कितने भी पैसे वाले की लड़की हमारे घर में बहू बनकर आ जाए, पर हमारे घर में झुक कर चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी, दो चार बार दरवाजा छोटा रहेगा तो माथा भड़केगा तो अपने आप झुकेगी, इसलिए दरवाजा छोटा होता था। आजकल हो गया दरवाजा ऊंचा, तो बहुएं भी कोई सुने, कोई सुनने वाली, दरवाजा ऊंचा सुनती नहीं। मेरा निवेदन है आज ही जाओ, अच्छा जोरदार पटिया ठुकवा दो, झुकना सीख, झुकते रहना चाहिए। झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। जो अकड़ रहा है वो मुर्दा है।